नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लाइट मेट्रो का गोरखपुर में जल्द ही कार्य किया जाएगा प्रारंभ। शासन व केंद्र सरकार से DPR की मिल चुकी है हरी झंडी। ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी के हाथ का ऑपरेशन सकुशल हुआ संपन्न। मंदिर में हमले के बाद गिरफ्तारी में हुआ था हाथ फ्रैक्चर। गुरुवार को चेकअप के बाद मुर्तजा अब्बासी को जिला जेल में किया जाएगा शिफ्ट। गोरखपुर के महायोजना को पास करने के लिए 22 अप्रैल को मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की होगी बैठक। ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पादरी बाजार स्थित मोहल्ला शिवपुर शहबाजगंज में लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले आए जल निकासी विद्युत से संबंधित। मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। ZDA के कार्यालयों का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने किया औचक निरीक्षण। ZDA के द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को बारिश से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। राहगिरी डे की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने विकास भवन के सभागार में लगाया जन सुनवाई व जागरूकता चौपाल। फरियादियों की सुनी फरियाद। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। गेहूं के खेतों में हुए अग्निकांड से हुए नुकसान के लिए जिला प्रशासन किसानों को उपलब्ध करवाएगा सहायता राशि। सभी तहसीलों को अपने अपने क्षेत्र का रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को पेश करने के लिए दिए निर्देश। घरों से निकलने वाले दूषित पानी को साफ करने के लिए ZDA 20 MLD क्षमता का लगाएगी STP प्लांट। 20,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। रामगढ़ताल के पास सुरमय गोरखपुर कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जन्मजात बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैर को जिला अस्पताल में प्लास्टर करके किया जा रहा है सीधा। हर बुधवार बच्चों के गार्जियन जिला अस्पताल आकर निशुल्क करा सकते हैं अपने बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैर का इलाज। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में जल्द ही लाइट मेट्रो का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके संबंध में ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार गोरखपुर में लाइट मेट्रो का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए दो रूट बनाया गया है, जिसमें पहले रूट पर कार्य शुरू होगा। जो भी तैयारी है पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि ZDA द्वारा बनाए गए DPR को शासन व केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अवगत करवा दिया गया है। हमारा प्रयास है कि जल्द ही मेट्रो का कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने भी कार्य को 6 महीने में शुरू करने के लिए आदेश दिया है। उम्मीद है कि कार्य को जल्द पूरा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, उसके बाद जब कंसल्टेंट आएगा डिजाइन आएगा। अच्छा, कंसल्टेंट में क्यूसी में वो तो सर आरपी फ्लोर हो चुका है, वो मुझे पता नहीं। देखिए, जो गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आशीर्वाद से गोरखपुर में मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, उसको लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट नाम दिया गया है।
इसमें दो चरणों में फिलहाल होना है, दो रूट्स हैं इसके और प्रथम रूट पे इस पर कार्य प्रारंभ होना है। तो इसके लिए जो भी तैयारियां होती हैं वो लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा DPR है, ये DPR शासन के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। इसके लिए जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उनको अवगत भी करा दिया गया है कि सारा अप्रूवल मिल गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर जो है कार्य शुरू होने की संभावना है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 6 महीने का टारगेट दिया है इस कार्य को करने के लिए और उम्मीद है कि हम लोग उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी का जिला अस्पताल के आर्थो ओटी में हाथ का ऑपरेशन सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को मुर्तजा ने शाम 7:30 बजे के करीब गोरखनाथ मंदिर के गेट पर लगे सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया था, जिसको देखते हुए मंदिर सुरक्षा में लगे PSC व पुलिस ने नागरिकों के सहयोग से मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया था। अफरा तफरी में पकड़ने के दौरान उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। 5 दिनों के पूछताछ के बाद 11 अप्रैल को मुर्तजा की रिमांड खत्म होने से पहले ATS ने कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर न्यायालय में उसको पेश कर दिया, जिसके बाद न्यायालय ने मुर्तजा अब्बासी की 5 दिनों का रिमांड बढ़ा दिया। उसके बाद 16 तारीख तक ATS ने पूछताछ की और 16 अप्रैल को न्यायालय में पेश कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने मुर्तजा को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं सरकार ने मुर्तजा के ऊपर UAPA की धारा लगाया है और मामले की जाँच NIA को सौंपा है, जिससे मामले की जांच NIA कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने कड़े सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर उसके हाथ का एक्सरे करवाया गया। देर रात आई रिपोर्ट में मुर्तजा बिल्कुल स्वस्थ था, जिसके बाद बुधवार की दोपहर में 1.25 घंटे तक डॉक्टरों ने उसके हाथ का ऑपरेशन किया, जिसके संबंध में मुर्तजा अब्बासी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मुर्तजा को 24 घंटे अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। गुरुवार को चेकअप के बाद मुर्तजा को जिला जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के मुर्तजा अब्बासी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा, आपके पास पहले पड़ा हो तो दुनिया ऑफिस चला जाए भैया, हम तो यही है बाइक शुरू हो गई, लेकिन चले चल गरीब चले डॉक्टर राकेश कुमार आर्थो सर्जन। मुर्तजा अभी आए थे जिनके हाथ के बाएं हाथ की दोनों हड्डियां टूटी हुई थी और अंदर लगभग 1 घंटा ऑपरेशन चला और ऑपरेशन सक्सेसफुल है, अभी स्थिति सामान्य है। सर आगे की क्या स्थिति है? अभी अंडर ऑब्जर्वेशन आएंगे, ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में जाएंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन आएंगे, फिर उसके बाद जैसा होगा फिर बताया जाएगा। कितने दिन लगभग रखा जाएगा? सर थोड़ा सा अभी इनके स्थिति पे डिपेंड करता है, एटलीस्ट 24 घंटा तो रखा ही जाएगा जी। मुर्तजा को कल जेल से लाया गया था ऑपरेशन के लिए, क्योंकि उसके हाथ की हड्डियाँ टूटी थी और जो डॉक्टर साहब देख रहे थे, डॉक्टर राकेश, उन्होंने सर्जरी के लिए एडवाइस करा था। कल उसको लाया गया था, कल उसकी सारी ऑपरेशन से संबंधित जांचें हुई हैं। कल सारी जांचों के बाद उसको जब शाम को रिव्यू करा गया, सब रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो वो फिट पाया गया था। तो आज उसकी सर्जरी प्लान करी गई थी, आज 10 बजे के करीब उसको OT में लाया गया। बेहोशी वालों ने चेक करा, चेक करने के बाद उसका दोनों हाथों की हड्डी का ऑपरेशन करके उसमें रॉड डाली गई है। सर कितने कब तक डिस्चार्ज? अब ये तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वही देख के बता पाएंगे, वो अपना एसेस करेंगे, जो टीम थी NSCJ वाली वो एसेस करेगी, उसके हिसाब से वो अपना बताएंगे कब डिस्चार्ज करना है। सर कुछ रिस्पॉन्स दे रहा था या प्रक्रिया दे रहा था?
नॉर्मल अपनी बातें कर रहा था, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। हम लोग से बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसको बेहोश करके ही हम लोगों ने ऑपरेशन करा है, तो हमसे बहुत बातें नहीं हुई। लेकिन ऑपरेशन के बाद जैसे आम मरीजों को जब होश में लाया जाता है तो बात करी जाती है, जैसे वो नॉर्मली बात कर रहा था। गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के बैठक शुक्रवार को मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में जीडीए सभागार में संपन्न होगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण गोरखपुर के महायोजना को रखा जाएगा और एक महीने तक पब्लिक को आपत्ति का भी अधिकार दिया जाएगा। एक महीने के बाद दोबारा बोर्ड की बैठक में महायोजना को पास करवा दिया जाएगा। इसके अलावा शहर में जो विकास के कार्य हो रहे हैं या करने हैं, रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण का कार्य, गोड़धैया नाले के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, इन सभी योजनाओं की बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी, जिससे गोरखपुर में विकास की गति बहुत तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा बोर्ड में खोराबार योजना, राप्ती नगर विस्तार योजना, पत्रकारपुरम को बढ़ाया जाएगा और गरीब व्यक्तियों के लिए 1 BHK के आवास को बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए 22 अप्रैल को हमारे यहाँ गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बोर्ड का बैठक आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में होना है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें महायोजना जो गोरखपुर की बनी है वो महायोजना उसमें रखी जाएगी, और उसको रखने के बाद एक महीने तक आपत्ति सुनवाई का समय पब्लिक को दिया जाएगा, और उसके बाद एक महीने के बाद पुनः बोर्ड की बैठक होगी और उसको महायोजना को पास कराया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा गोरखपुर पूरे शहर में विकास के जो कार्य हो रहे हैं और जो विकास के कार्य हम लोग को करने हैं, जैसे रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण की बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, कई योजनाएँ हमें प्लान करनी है। गोड़धैया नाले का सौंदर्यीकरण का योजना चल रहा है, उसमें जो आगे चर्चा होगी तो उसमें सभी अधिकारी रहेंगे, कई नई योजनाओं पे चर्चा होगी, और उम्मीद है कि इस बोर्ड बैठक के बाद से जो गोरखपुर में विकास की जो गति है वो और बढ़ जाएगी। सर इसमें कुछ अतिरिक्त भी जोड़ा जाएगा इस योजना में जो बैठक होगी, क्या क्या लाभ मिलेगा? नहीं, जो योजनाएँ गोरखपुर विकास प्राधिकरण की आने वाली हैं, जैसे खोराबार योजना लॉन्च होने वाली है, रामगढ़ ताल पूरे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है वो भी और चलने वाला है, राप्ती नगर विस्तार योजना में कई सारी चीज़ें चलने वाली हैं, पत्रकारपुरम योजना जो पत्रकार भाइयों के लिए आई हुई थी उसमें और एक्सटेंशन करने के लिए उस पर चर्चा होगी कि और ज़्यादा उसमें आवास दिए जाए, उस पर भी चर्चा होगी। गरीब व्यक्तियों के लिए 1 BHK के आवास और ज़्यादा से ज़्यादा लाए जाएँ, उस पर भी चर्चा होगी। तो तमाम चीज़ें चर्चा होंगी जब बोर्ड की बैठक होगी, उसमें जो भी चर्चा होगी और जिस पर अनुमोदन मिलेगा उससे आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बुधवार को पादरी बाजार स्थित शिवपुर शहबाजगंज में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश पर पूरी टीम द्वारा मोहल्ले में चौपाल लगाई जा रही है, जिससे सारे अधिकारी द्वारा विभाग की योजनाओं को आम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चौपाल में जो भी शिकायत या आपत्ति आती है उसको सूचीबद्ध करके निस्तारण किया जाता है। बुधवार को शिवपुर शहबाजगंज वार्ड में पार्षदों द्वारा समस्याओं का संज्ञान लिया गया, जिससे जल निकासी, विद्युत एवं अन्य प्रकार की समस्या सामने आई, जिसको देखते हुए लोगों को आश्वस्त किया गया कि अगले 15 दिनों में समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, ये सारी समस्या जितनी भी महिला समूह की है, किसी बैंक से संबंधित या थाने से संबंधित, मिट्टी खनन परमिशन के संबंधित एक सूची बना लीजिए और हमें दे दीजिए, मेरे ऑफिस से ट्रैकिंग हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। जैसे ब्लैक स्तर पे जो समूह चलते हैं गांव में, उनको 1 लाख रुपए का छोड़ दिया है पोलगार के, उसे आप देख लीजिए। जिंदौर जिले में सर बात बल्ली के काम में हर जगह से शिकायत जा रही है सर, पावर टेक कंपनी का जो है वो अभी फिर दोबारा काम करना चालू कर दिया, लेकिन सर सिर्फ एक ही लोग लिए हैं पूरे साल का, अभी एक एक डिविजन का उनको निपटा रहे हैं, हमारे आएंगे यहाँ तक, कब तक करेगा यहाँ तक, 1 महीने का टाइम लिया हमसे, एक हफ्ता पहले बैठक करा, ठीक है, शनिवार को सेकंड हाफ में उसको बुला के लेके आओ, और आप लेके आए 11,000 वाला तार कुछ गया है जिसमें लाइट है ही, उसको रिपेयरिंग वाले करवाओ, 35,000 वाला तार गया है, अरे वो इतना आसान नहीं है, लाइट शिफ्ट कराना इतना आसान है, बहुत महंगा करोड़ों रुपए का गया है। ये बताओ बिलिंग और कलेक्शन क्या पूछो,
सबके सामने पूछो। बिलिंग में कोई दिक्कत है? बिल समय से मिल जाता है, मीटर काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर कितने लगे? स्मार्ट मीटर कितने लगे? सुनो, स्मार्ट मीटर कितने लगे? 14,000 लगते जा रहे हैं। बंद कर रहा है तो ना कितना आमदनी होता है, कितना कमा रहे हैं? समस्या तो बताइए भैया। आपूर्ति होनी है, ये भी जरूरी है कि सभी लोग इसमें अपना योगदान दें। हम सब मिलकर इसको व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं। देखिए जर्जर तार हैं, बिजली के खम्भे हैं, ट्रांसफार्मर में सुनते हो, आबादी बढ़ती जा रही है, मकान बढ़ते जा रहे हैं, तो और बेहतर व्यवस्था होनी है। तो उसके लिए उपभोक्ताओं से आग्रह है कि सभी लोग अपने अपने बिल को समय से पूर्ति करें, भुगतान करें और उसमें किसी तरह की अनियमितता या व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो। हाँ, जैसे निरंतर हम मेरे द्वारा और हमारी पूरी टीम द्वारा लगातार माननीय शासन के निर्देशों के क्रम में ग्राम चौपाल और नगरीय क्षेत्रों में मोहल्लों में चौपालें लगाई जा रही हैं। जब सारे अधिकारी संबंधित विभाग अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं विभागीय योजनाओं के बारे में, चाहे वो अवस्थापना संबंधित हो, जनकल्याणकारी योजनाओं का, उसके बारे में प्रस्तुत करते हैं। जो भी आपत्तियाँ या शिकायत मांग आती है उसको सूचीबद्ध करके निस्तारण किया जाता है। आज 2 वार्ड्स के चौपाल लगाई गई थी और उसमें दोनों में माननीय पार्षदों के उपस्थिति में समस्याओं की संज्ञान लिया गया है। वहाँ सफाई और जल निकासी की समस्याएं आई हैं, विद्युत की समस्या आई हैं, जिसके लिए निर्देशित किया गया और उसका अनुश्रवण किया जाएगा कि अगले 15 दिन में उन समस्याओं को दूर किया जाए। मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी ने बुधवार को जीडीए के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने विभिन्न पत्रावलियों के बारे में सचिव, अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता से विस्तृत में जानकारी ली। उन्होंने पत्रावलियों को ठीक ढंग से रख रखाव के निर्देश दिए, जीडीए के द्वारा चल रहे सभी विकास कार्यों की जानकारी ली। इसके साथ ही सभी विकास कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। मंडलायुक्त ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में साफ सफाई न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की, जिसके लिए एक हफ्ते की कार्य योजना बनाकर रंगाई पुताई का कार्य करने के लिए जीडीए के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कार्यालय में टूटे फर्नीचर को हटाकर नया फर्नीचर लगाने के लिए कहा, जिसको एक हफ्ते के अंदर पूरा करना है और मानचित्र के पटल को एयर कंडीशन बनाया जाएगा। इस अवसर पर जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, हमारा जाके वहाँ पर खड़ा होता है, पहले 2 घंटे तक पुलिस को इंतजार करना और हमें खाली करके रखते हैं। जैसे हमको छोटा नाली की सफाई करनी है, हमें पता है वहाँ जाके सफाई करनी है, काटा सफाई क्या होता है सर? एक अपने जैसे हर महीने 40,000 फिक्स कॉस्ट हमारा है, 40,000 और आएंगे तो आपका देसी ड्राइवर को कितना पैसा करते हैं।
देखिए आज आयुक्त महोदय द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें दो एडिशनल कमिश्नर साहब भी आए थे और औचक निरीक्षण में उनके द्वारा सभी पटलों पर जा के जानकारी ली गई, साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी गई, फाइलों की व्यवस्था देखी गई एवं अन्य प्रकार के जो यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको देखा गया। तो जो आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि कई कमरों में, कई पटलों में साफ़ सफाई की जो व्यवस्था अच्छी नहीं देखी गई है, तो उसके लिए हम लोग एक हफ्ते की कार्य योजना बनाएंगे और जितने भी यहाँ पे हमारे पटल्स हैं सबकी इंटरनल उसकी रंगाई पुताई का कार्य होगा। दूसरा, उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो भी फर्नीचर टूट गए हैं उसको डिस्पोज ऑफ करके और नया फर्नीचर लगाने के लिए उसको भी हम लोग अगले एक हफ्ते में करेंगे। तीसरा, उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि कुछ यहाँ पे प्रिंटर की शॉर्टेज की वजह से बाहर प्रिंटआउट निकाला जा रहा है जो कि ज़्यादा उसमें खर्च आता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 से 5 प्रिंटर और ख़रीदेंगे। इसके अलावा जो हमारा मानचित्र का पटल है, मानचित्र के पटल में धूल लकड़ होने से जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है, तो उसको देखते हुए वहाँ पे एयर कंडीशनिंग का सिस्टम लगाया जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी सुझाव आयुक्त महोदय द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं और हम लोग इसको पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगले एक हफ्ते 10 दिन में जो भी सुझाव है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने राहगीरी डे की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि गोरखपुर को साफ व सुथरा बनाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। राहगीरी डे पर सड़कों को साफ व सुरक्षित बनाने के लिए लोगों को जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है जो कि 8 मई से शुरू होगा। इस अवसर पर AGM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर, अपर जिला प्रशासन प्रभुनाथ गुप्ता, बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक मनोज कुमार गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, और ये एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी नगर निगम में एक कंपनी है एंड देयर इज वन मोर कंसल्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। ड्राफ्ट ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद उसको ट्रायल करते हैं, जैसे कौन बैरिकेड्स लगाते। कल ही हमने रोहतक में 5 किलोमीटर के रोड पे किया फॉर 48 आवर्स। टू दिस ट्रायल्स आल्सो इन इंटरसिटी, सो वी विल हैप्पी टू विद हेल्प इन गोरखपुर आल्सो। तो ये गोरखपुर नागरिक का कल ही हमने सर की डिस्कशन के बाद पोस्टर बनाया है, नाम चेंज हो जाएगा जैसे आप लोग सुझा देंगे उसी तरह से लोकल। और ये सर के साथ डिस्कस करने के बाद ये रूट फाइनल किया है पहला नागरिक करने का, तो इसमें भी आप लोग बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तो इसको यहाँ पर बाईपास भी हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या क्या वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सर? एक्चुअली दो स्टेजेस लगते हैं, और एक मेन स्टेज होता है जहाँ पे डिग्निटरीज वगैरह आते हैं और कार्यक्रम कल्चर वो है जी उसके साइड साइड में जो हमारे पास एरिया है वो एकदम किनारे एरिया है, बड़ा एरिया है। सर मेरा एक सुझाव था, हाँ बताइए, क्योंकि इसको स्टार्ट कर रहे हैं आजादी का सहभागिता एक बहुत प्रमुख मुद्दा होता है कि किसी भी शहर के साफ स्वच्छ सुरक्षित बनाने के लिए जन सहयोग बहुत आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देश दिया गया था उसी के क्रम में यहाँ पे दो कार्यक्रम आयोजन करने के लिए बैठकें हो रही हैं। एक तो राहगीरी गोरखपुर, यानी हमारे सड़कों को और सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को जोड़ने के लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है 8 मई से, और यहाँ सुरमई गोरखपुर जहाँ पे हमारे कला हमारे रामगढ़ ताल के पास ये स्थानों पर
हम लोग कलाकारों को, हमारे स्थानीय कलाकारों को एक मंच देंगे जाके वो अपने कला का प्रदर्शन कर सकें और आगे बढ़ सकें, उद्यमान कलाकारों को अवसर मिल सके। साथ ही साथ गोरखपुर के सभी आम जनमानस को वहाँ योगा और अन्य गतिविधियाँ करने के लिए एक मंच मिल सके और उनको अन्य प्रतिष्ठित कलाकार जो बाहर से आएंगे उनको देखकर उन आनंद उठाने का लाभ मिल सके। राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने महिलाओं की जन समस्या की जन सुनवाई के लिए विकास भवन के सभागार में जन जागरूकता शिविर लगाया। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने जन जागरूकता शिविर में आई महिलाओं की समस्याओं को सुना, उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया, जिसके संबंध में राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने बताया कि राज्य महिला आयोग के द्वारा महीने के प्रथम बुधवार और तृतीय बुधवार को जन सुनवाई जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होता है, जिसमें आयोग की सदस्य व पदाधिकारी जिलों में जाकर महिलाओं के समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। इसके अलावा सरकार की महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, जन सुनवाई में आई महिलाओं को विस्तृत जानकारी दी जाती है और योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली जाती है। इस अवसर पर जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी प्रभा, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित फरियादी महिलाएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा, गोरखपुर में माननीय सदस्य राज्य महिला आयोग मैडम के आयोजित किया गया है, महिला संबंधी अपराध या महिला संबंधी जो उत्पीड़न की शिकायतें हैं उसकी सुनवाई की जाएगी। तत्पश्चात जो भी महिलाओं से संबंधित स्कीम्स हैं उसके बारे में भी संक्षिप्त में एक संक्षिप्त आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है। तो इस क्रम में हमारी आंगनबाड़ी बहने मैडम करो नहीं दिया जा रहा है। क्यों भाई ये बोलो हो जाए किसी तरह
लेकिन इनके पति का पता नहीं चल रहा है। ससुर का कहना है यही कि मैं नहीं रखा हूँ, कुछ भी इंतजाम लगा सकूँ। यही उत्पीड़न का मुकदमा पहले से लिखा गया है। हम लोग कहना ठीक है रख लीजिए भाई, अगर वो जो कर रहे हैं वो तो कहेगी ही, अब नहीं रख रहे हैं तो इसमें झूठ कह रहा है। ये बात तो ये कह रही है ना कि नहीं रहने दे रहे हैं। अच्छा, दहेज के लिए परेशान करते होंगे तब ना कोई भी बहू अपने घर में से क्यों शिक्षा से निकलेगी भाई। उनका बता रहे थे कि लखनऊ में उसके हस्बैंड जॉब करते थे पहले बाहर कहीं, तो वो लोग साथ में रहे। नाम क्या है आपका? रहती क्या लेकिन फोन करें इनके भी दोनों पक्षों को क्यों मारते हैं उनकी लाइफ ठीक नहीं होगी। लड़के में नहीं रहना चाहती हूँ, वही सोचती जब भी जाती हूँ बस मेरे पर ज़्यादा दर्द नहीं रखते हैं सही, तो उसके बाद बात तबीयत ना बढ़ते रहते हैं बहुत मार पीट करें ना, पीछा मिर्चा रखो तुरंत एक मुठ्ठी में पूछोगा नहीं और उनकी बुद्धि सुधर जाएगी, ताकि वो बीवी को इतना कमज़ोर ना समझे कि मार के घर से भगा दे। कोई भी हो मिर्चा सबके लिए मिर्चा है, किसी को डाल दो, माँ बहन मारे उनके भी आँख में डाल दो, मार रही नहीं हो तुम, जब मारे तो डाल दो पैर पे खड़ी हो, कोई ना कोई काम करो, कोई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई काम करते कभी नहीं देते हैं, सब छुड़ा देते हैं, तो वहाँ पर भी लफड़ा करके छुड़ा देते हैं। कहाँ पे जहाँ काम करते हैं? ब्लॉक में काम कर देते हैं। तो वो जितने मजबूत हैं ज़्यादा मजबूत तुम बनो, ठीक है ना। तुमको भी अब सोच लो कि तुमको बहुत संघर्ष करना है और ये दुख ये परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। खुद लड़ना सीखो, खुद अपने काम के लिए अपने हक के लिए लड़ना सीखो और खुद मेहनत करना सीखो। आखिर घर में भी सुबह उठ के 5 बजे 4 बजे लड़कियाँ उठ जाती हैं और तब से झाड़ू पोछा सब कुछ चाय कपड़ा खाना सारा काम करती है ना। वही काम एक नौकर को दिया जाए तो 10,000-15,000-20,000 ले रहा है ना, तो वही काम तुम फ्री में करती हो, फ्री की नौकर हो, उसके बाद भी वो नहीं रहने देंगे। कोई काम नहीं करती हैं आप? तो आप भेजिए ना, मैं पूरा दिन हूँ। महिला आयोग में हर महीने के प्रथम बुधवार को और तृतीय बुधवार को हर जिले में कार्यक्रम लगता है, हम लोग महिला जन सुनवाई करते हैं, महिलाओं की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं समीक्षा बैठक में उन योजनाओं के बारे में भी चर्चा करते हैं कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो उस कार्य को उस विभाग का वो काम सरकार की योजनाएं कहां तक पहुंची हैं ये उस बारे में क्या कर रहे हैं, इनका क्या स्थान है अपने शहर में अपने यूपी में और क्या कहते हैं कि क्या और करेंगे तो और बेहतर होगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसकी एक समीक्षा बैठक करते हैं, बाकी महिला जन सुनवाई करते हैं, उसके बाद समय मिलता है तो हम जहाँ जहाँ महिलाएं हैं जैसे महिला जेल है, कस्तूरबा विद्यालय है, सिविल अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, जो भी सरकार की महिलाओं से संबंधित जगहें हैं, विद्यालय बालिका राजकीय बालिका विद्यालय है, इन सबका निरीक्षण करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कहीं कोई सरकार की योजनाओं के बारे में जो भी कार्य हो रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और जितनी सरकार सुविधा दे रही है वो सच में दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और हम अपने कार्यों को ईमानदारी से करें, ताकि जनता खुश रहे, समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार हो, महिलाओं की पूरी सुरक्षा हो और उन्हें सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए हम सभी काम करते हैं। किस तरह के मामले आए जनता? अब ज़्यादातर अभी तक जो भी मामले आए हैं वो सब सास से दुखी हैं, सास से परेशान हैं बहनें और मुझे विश्वास है हमेशा होता है, हर सुनवाई में होता है और 100% होता है। हमारी महिला थानाध्यक्ष बैठी हैं, हमारे SP क्राइम
बैठे हैं, हमारे सारे अधिकारी बैठे हैं, सभी किसी भी तरह की, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो या ऐसी चीज़ें हों, ऐसी योजनाएं समाज कल्याण से संबंधित हो, DPO से संबंधित हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं। इसमें कहीं भी उन महिलाओं को कोई भी योजनाओं का लाभ अगर मिलने लायक होता है तो ये सारे अधिकारी हमारे लोग उनकी सहायता करते हैं, उनका अगर कहीं नाम छूट गया रहता है उसको भी डालते हैं। विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, तमाम तरह की सरकार की योजनाएं हैं, सुमंगला योजना है, जनधन योजना है, दुनिया भर की योजनाएं हैं सरकार की जिसके बारे में हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। उन सबका कार्यान्वयन कैसे हो रहा है, किसको सुविधा मिल, किसको इसका लाभ मिल रहा है, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो वो कैसे मिले, इसके बारे में विचार करके अपने काम को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लाइट मेट्रो का गोरखपुर में जल्द ही कार्य किया जाएगा प्रारंभ। शासन व केंद्र सरकार से DPR की मिल चुकी है हरी झंडी। ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी के हाथ का ऑपरेशन सकुशल हुआ संपन्न। मंदिर में हमले के बाद गिरफ्तारी में हुआ था हाथ फ्रैक्चर। गुरुवार को चेकअप के बाद मुर्तजा अब्बासी को जिला जेल में किया जाएगा शिफ्ट। गोरखपुर के महायोजना को पास करने के लिए 22 अप्रैल को मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की होगी बैठक। ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पादरी बाजार स्थित मोहल्ला शिवपुर शहबाजगंज में लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले आए जल निकासी विद्युत से संबंधित, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। ZDA के कार्यालयों का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने किया औचक निरीक्षण। ZDA के द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को बारिश से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। राहगिरी डे की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने विकास भवन के सभागार में लगाया जन सुनवाई व जागरूकता चौपाल। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। गेहूं के खेतों में हुए अग्निकांड से हुए नुकसान के लिए जिला प्रशासन किसानों को उपलब्ध करवाएगा सहायता राशि। सभी तहसीलों को अपने अपने क्षेत्र का रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को पेश करने के लिए दिए निर्देश। घरों से निकलने वाले दूषित पानी को साफ करने के लिए ZDA 20 MLD क्षमता का लगाएगी STP प्लांट। 20,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। रामगढ़ताल के पास सुरमई गोरखपुर कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और जन्मजात बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैर को जिला अस्पताल में प्लास्टर करके किया जा रहा है सीधा। हर बुधवार बच्चों के गार्जियन जिला अस्पताल आकर निःशुल्क करा सकते हैं अपने बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैर का इलाज। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगो की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद में किसानों के गेहूं के खेतों में लगे आग के नुकसान के लिए जिला प्रशासन सहायता उपलब्ध करवाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद में जहां भी आगजनी की वजह से खेतों में नुकसान हुआ है, वहां राज्य आपदा मोचक निधि व मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के तहत सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसको देखते हुए सभी तहसीलों को अपने अपने क्षेत्र के नुकसान की रिपोर्ट बनाकर देने के लिए संबंधित लेखपाल व तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि तहसील में अपना आवेदन जरूर जमा करें ताकि समय पर उनको सहायता राशि उपलब्ध करवाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे जहाँ भी आगजनी की वजह से खेतों में नुकसान हुआ है तो दैवीय आपदा मद से और कृषक दुर्घटना बीमा और अन्य योजना में आच्छादन करते हुए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है और इसका अनुश्रवण भी किया जाएगा। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया तहसील में अपने आवेदन ज़रूर जमा करें ताकि समयबद्ध रूप से उनको मदद मिल सके। जीडीए 20 एमएलडी क्षमता का एसटीपी प्लांट लगाने जा रही है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गोरखपुर बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर है, जिसका बहुत तेजी से विकास हो रहा है और बहुत ज्यादा लोग यहां पर मकान लेकर बसते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए घरों से निकलने वाले पानी की जल निकासी पर काम चल रहा है। राप्ती नगर विस्तार योजना में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, वहां का पानी नालों के माध्यम से चिलवा ताल में जाता है, जिसको देखते हुए पानी की जल निकासी के लिए 20 एमएलजी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा तो पूरे क्षेत्र का पानी ट्रीटमेंट होने के बाद रामगढ़ ताल में जाएगा, जिससे ताल की स्वच्छता व सुंदरता बनी रहेगी व 20,000 परिवार को इसका लाभ मिलेगा। जल्द ही टेंडर होकर इसका निर्माण करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि गोरखपुर एक बहुत ही बदलता हुआ शहर है, बहुत आगे बढ़ता हुआ शहर है, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, तमाम लोग यहाँ पे बसते जा रहे हैं और उसको देखते हुए जो हमारा पानी का निकासी है, उसका ट्रीटमेंट है, उस सब पे पैरेलल काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो राप्ती नगर विस्तार योजना है, वहाँ बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और वहाँ का पानी वो नालों के माध्यम से चिलवा ताल में जाता है, तो उसको हम लोग अभी से प्रयास कर रहे हैं कि 20 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए, जब ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा तो पूरे क्षेत्र का जो पानी होगा, सीवर होगा, वो सब ट्रीटमेंट होने के बाद ही हमारे ताल में जाएगा, जिससे उसकी स्वच्छता और सुंदरता बनी रहेगी। इससे लगभग जो है 20,000 परिवार को वहाँ पर फ़ायदा होगा। इस प्रोजेक्ट की पूरी कार्ययोजना तैयार की ली गई है, इसका अप्रूवल भी दे दिया गया है, अब इसका जल्दी से टेंडर होगा और जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाएगा। सुरमई गोरखपुर नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सुरमई गोरखपुर के तहत रामगढ़ ताल के पास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे हम लोग कलाकारों को एक मंच देंगे जो कि अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें लोकल कलाकारों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, इसके साथ ही आम जनमानस को योगा और अन्य गतिविधियों के लिए एक साथ जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला क्रीडा अधिकारी आले हैदर, बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक मनोज कुमार गौतम, अपर जिला प्रशासन प्रभुनाथ गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सैटरडे को 3 से 5 दो घंटे के लिए, अभी तो ये हमारा शाम को जी शाम को करें सर, गर्मियों में 3 बजे गर्मी में ही 3 से 5 और गाड़ी के 2 से 4, जब हम 3 से 5 का समय रखते हैं तो एक्चुअल 3:15 में स्टार्ट होता है और 5 वाला समय आगे बढ़ते चला जाता है। अगर हम किसी कार्यक्रम को 4 बजे का समय देते हैं कि सुबह को नहीं तो वो उसकी रेप्लिका टाइप की हो जाएगी सर, कि हम सुबह ही गोरखपुर कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमें लगा कि हमारा कार्यक्रम और जो कंसेप्ट हो वो उससे जुदा दिखाई पड़ रहा हो, हम सुबह भी कर रहे हैं सर। अभी ऑप्शन ये सोचिए चाहिए कि वर्किंग एज पॉपुलेशन को थोड़ा माइंड रिलैक्सेशन हो सर, इंडस्ट्री वाले बिजनेस वाले बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ज़्यादातर स्कूल बच्चे 2-3 बजे तक
स्कूल में रहते हैं या हमने सर सैटरडे और संडे दो दिन रखा कि सैटरडे को इवनिंग में और संडे को मॉर्निंग में तो संडे की मॉर्निंग हाँ एक और ऐसा भी नहीं थोड़ा विचार कर लीजिए चार बजे से छः बजे या पाँच से सात बजे कर लें अभी तो सर ये हमारी एक समिति बन रही है और एक्चुअल में प्रोग्राम हम कितने कितने बजे करना चाहेंगे वो अभी हम जैसे जब अगली बैठक में बैठेंगे या फिर से विचार करके कर लेंगे। नॉन परमानेंट मेंबर है डीएम साहब उसके अध्यक्ष पीसी जीडीए साहब उसके उपाध्यक्ष क्योंकि वो जीडीए का एरिया है और जीडीए की कोई वहाँ पर वो है मतलब ओनरशिप है। टीओ ट्रेजरी अफसर जो भी रहेगा उसका कोषाध्यक्ष नगर आयुक्त जो भी रहेंगे वो पदेन इसके सदस्य सीडीओ जो भी रहेंगे पदेन सदस्य जो आरटीओ साहब रहेंगे अभी आप। जिला अस्पताल में जन्मजात बच्चों के टेढ़े मेढ़े हुए पैर का प्लास्टर करके सीधा किया जा रहा है जिसके संबंध में एक बच्चे के पिता मनोज कुमार ने बताया कि मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो इसका पैर टेढ़ा मेढ़ा था जिससे मेरे परिवार वाले काफी परेशान हो गए थे जिसके बाद अस्पताल के एक स्टाफ ने बताया कि आपके बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में हो जाएगा जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। जिसके बाद हम जिला अस्पताल में आए और यहां पर एक समाज सेवी संस्था जिला अस्पताल के साथ काम करती है जो कि मेरे बच्चे का केयर कर रही है। हर बुधवार को जिला अस्पताल में बुलाया जाता है बच्चे का प्लास्टर होता है और चेक किया जाता है कि बच्चे का पैर कितना सीधा हुआ। उन्होंने कहा 7 हफ्तों में मेरे बच्चे का पैर काफी सीधा हो गया है। उन्होंने कहा डॉक्टरों ने बताया कि जन्म के समय माँ के पेट में स्पेस कम होता है जिससे बच्चों का पैर टेढ़ा हो जाता है और जिला अस्पताल में ऑपरेशन के बाद सभी बच्चों का पैर सीधा हो जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बच्चों का इलाज कराने आए पिता मनोज कुमार एवं समाज सेवी संस्था के कोऑर्डिनेटर ने कहा मनोज कुमार है जंगल कौड़िया के ग्राम पंचायत कुड़वा के निवासी हैं और मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो क्लब फुट था तो मैं बहुत समय बहुत घबरा गया था लेकिन जब वहाँ के स्टाफ वर्ड ने हमें सहयोग किया और बताया कि आपका जो है बच्चे का इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरी तरह से निःशुल्क और अच्छा इलाज होगा तो वहाँ पर वहाँ के माध्यम से हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए और यहाँ एक समाज सेवी संस्था जो काम करती है वो बहुत मतलब बेहतरीन जो है काम कर रही है और वो हमारे बच्चे को 6-7 हफ्ते से लगातार जो है केयर कर रही है और समय पर हर बुधवार को बुलाती है और वहाँ पर इलाज जो है हर बुधवार को प्लास्टर होता है और देखा जाता है कि कितना बच्चे का जो पैर सीधा हुआ कितना जो है पहले से क्या स्थिति है तो मेरे बच्चे का लगभग 5 हफ्ता पूरा हो गया ये 6वां हफ्ता है। क्या कारण है कि मतलब बच्चे इस तरह के पैदा हो रहे हैं? अब कारण जो हम लोग को बताया गया है यही कि माँ के जो पेट में जो है ये सब दिक्कतें आ जाती है किसी का पेट छोड़ मतलब स्पेस कम होता है पेट में तो करवट ज़्यादा सोती है महिलाएं इसलिए भी हो सकता है हो जाता है। देखा जाए कि अधिकतर बच्चों का इलाज यहाँ पे मतलब संभव है इस तरह का? जी 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 यहाँ पर बहुत लोग का हम जब शुरू में जब आए तो कई लोगों से हम पूछे कि सर आप लोग का बच्चों का क्या स्थिति उन्होंने बताया कि सब देखिए हमारे बच्चों का बहुत पैर एकदम दोनों पैर टेढ़ा था लेकिन फिर ठीक हो गया और आपका तो आपके बच्चे का एक ही है
आपका भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसका रिस्पांस मिला कि हम आज देख रहे हैं कि पूरा मेरे बच्चे का पैर जो सीधा हो गया है और सिर्फ एक बार ऑपरेशन होगा, उसके बाद ऑपरेशन के बाद लगभग पूरी तरह मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। मेरा नाम कोमल केशरी है, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। क्या किस तरह से इससे बचा जा सकता, क्या कारण है इसका बीमारी? इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं पता चला है कि बच्चों का पैर टेढ़ा किस लिए होता है। जनरली ऐसा हम माना जाता है कि माँ के पेट में स्पेस ना होने के कारण बच्चे का पैर मुड़ा रह जाता है। हाँ, ये इलाज के द्वारा बच्चों का पैर सीधा हो जाता है। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लाइट मेट्रो का गोरखपुर में जल्द ही कार्य किया जाएगा प्रारंभ। शासन व केंद्र सरकार से DPR की मिल चुकी है हरी झंडी। ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी के हाथ का ऑपरेशन सकुशल हुआ संपन्न। मंदिर में हमले के बाद गिरफ्तारी में हुआ था हाथ फ्रैक्चर। गुरुवार को चेकअप के बाद मुर्तजा अब्बासी को जिला जेल में किया जाएगा शिफ्ट। गोरखपुर के महायोजना को पास करने के लिए 22 अप्रैल को मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की होगी बैठक। ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पादरी बाजार स्थित मोहल्ला शिवपुर शहबाजगंज में लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले आए जल निकासी विद्युत से संबंधित, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। ZDA के कार्यालयों का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने किया औचक निरीक्षण। ZDA के द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को बारिश से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। राहगिरी डे की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने विकास भवन के सभागार में लगाया जन सुनवाई व जागरूकता चौपाल। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। गेहूं के खेतों में हुए अग्निकांड से हुए नुकसान के लिए जिला प्रशासन किसानों को उपलब्ध करवाएगा सहायता राशि। सभी तहसीलों को अपने अपने क्षेत्र का रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को पेश करने के लिए दिए निर्देश। घरों से निकलने वाले दूषित पानी को साफ करने के लिए ZDA 20 MLD क्षमता का लगाएगी STP प्लांट। 20,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। ZDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। रामगढ़ताल के पास सुरमय गोरखपुर कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जन्मजात बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैर को जिला अस्पताल में प्लास्टर करके किया जा रहा है सीधा। हर बुधवार बच्चों के गार्जियन जिला अस्पताल आकर निशुल्क करा सकते हैं अपने बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैर का इलाज। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लाइट मेट्रो का गोरखपुर में जल्द ही कार्य किया जाएगा प्रारंभ। शासन व केंद्र सरकार से DPR की मिल चुकी है हरी झंडी। ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी के हाथ का ऑपरेशन सकुशल हुआ संपन्न। मंदिर में हमले के बाद गिरफ्तारी में हुआ था हाथ फ्रैक्चर। गुरुवार को चेकअप के बाद मुर्तजा अब्बासी को जिला जेल में किया जाएगा शिफ्ट। गोरखपुर के महायोजना को पास करने के लिए 22 अप्रैल को मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की होगी बैठक। ZDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पादरी बाजार स्थित मोहल्ला शिवपुर शहबाजगंज में लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले आए जल निकासी विद्युत से संबंधित, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। जीडीए के कार्यालयों का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने किया औचक निरीक्षण। जीडीए के द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को बारिश से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। राहगिरी डे की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने विकास भवन के सभागार में लगाया जन सुनवाई व जागरूकता चौपाल। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। गेहूं के खेतों में हुए अग्निकांड से हुए नुकसान के लिए जिला प्रशासन किसानों को उपलब्ध करवाएगा सहायता राशि। सभी तहसीलों को अपने अपने क्षेत्र का रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को पेश करने के लिए दिए निर्देश। घरों से निकलने वाले दूषित पानी को साफ करने के लिए जीडीए 20 एमएलडी क्षमता का लगाएगी एसटीपी प्लांट। 20,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। रामगढ़ताल के पास सुरमय गोरखपुर कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जन्मजात बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैर को जिला अस्पताल में प्लास्टर करके किया जा रहा है सीधा। हर बुधवार बच्चों के गार्जियन जिला अस्पताल आकर निशुल्क करा सकते हैं अपने बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैर का इलाज। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।